बिसम अल्लाम हमने नेक्स्ट सॉरी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था एक्सेल का इंट्रोडक्शन हमें देखा था स्प्रेडशीट किसे कहते हैं यह आपके पास एक ग्रिड थी <coughs> किस चीज़ की ग्रिड थी आ, आपके पास रॉज एंड कॉलम की एक ग्रिड होती है आपके पास एक्सेल की जो शीट होती है आपने करना क्या है अब आ, आपके पास फर्स्ट प्रैक्टिकल हम डिस्कस करते हैं आपने इसमें करना क्या है आपके पास एक अटेंडेंस शीट गिवन है उसमें आपने स्टूडेंट uh, की टोटल अटेंडेंस फाइंड फाइंड आउट आउट करनी करनी है उसके करनी है उसके अलावा उसकी परसेंटेज यहाँ देखिए आपको रोल नंबर्स गिवन गिवन नेम्स सारी उनकी टेन uh, डेज की अटेंडेंस है ये कितने दिन एक स्टूडेंट प्रेजेंट रहा जैसे फर्स्ट स्टूडेंट जिनका रोल नंबर टू है वो सिर्फ दो दिन प्रेजेंट रही हैं इसी तरह से बाकी सारे स्टूडेंट्स की भी गिवन है तो आपने क्या करना है इस Uh, इसमें आपने बेसिकली uh, टोटल uh, <coughs> अच्छा जी अब आपने करना कैसे है पहले आप ये याद रखिएगा ये वाली जो फील्ड है क्योंकि इसमें आपको परसेंटेज मालूम करनी है तो ये आप जनरल से परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिएगा इसे आपको पता है यहाँ पे जर्नल लिखा हुआ है और आपने इसको परसेंटेज में जो है वो कन्वर्ट करना है अच्छा जी नेक्स्ट चीज आपके पास क्या है टोटल अटेंडेंस फाइंड आउट करते हैं टोटल अटेंडेंस आपने कैसे फाइंड करनी है इज इक्वल टू का साइन लगाया आपने लिखा काउंट देन इफ काउंट इफ काउंट इफ का फॉर्मूला कहाँ से कहाँ तक लगाना है आपने आपने सेल इस से इस सेल तक यानी वन से टेन डेज तक काउंट करनी है ना तो ये देखें ये फर्स्ट सेल का एड्रेस आ गया इसमें ई और ये एट और देन लास्ट सेल कौन सा है एन एट ये इन्होंने ई एट रेशो एन एस मतलब एन एट मकसद क्या है रेशो का के इसने रेंज डिफाइन की हुई रेंज ये रेशियो के साइन से डिफाइन करता है कॉलन लगा हुआ है बीच में के एस, न, sorry, E8 को N8 तक जो है वो करनी है वो करनी वैल्यू क्या कैलकुलेट करना है आपने अगर ज़ाहिर सी करनी है तो कितने दिन एक स्टूडेंट प्रेजेंट रहा है वो फाइंड आउट करना है तो आपने क्या करना है अटेंडेंस कैलकुलेट की इसकी कम्प्लीट प्रेजेंट कितने दिन रहा है और आपने एंटर कर देना है एंटर करने के बाद यहाँ पे आपने एक दिन की अटेंडेंस आ गई अब आपने बाकी दिन की अटेंडेंस जो है वो यहाँ पे क्या कर देनी है ड्रैग कर देनी है बाकी सारे दिन की अटेंडेंस आ जाएगी मैंने क्या किया सिंपली यहाँ पे ये यह जो प्लस साइन आ रहा था इसको पकड़ के ड्रैग कर दिया तो ये फार्मूला जो था ये सारे सेल्स में अप्लाई हो गया तो आपने देखा कि हमारी अटेंडेंस शीट जो है ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो गई यहाँ पे जो है मैं आपको फॉर्मूला प्लेस करके दिखा देती हूँ आपको पता है कहीं किसी भी सेल में अगर आपने फॉर्मूला इंसर्ट करना हो तो आपको लाजमी तौर तो पर साइन जो है वो लगाना है इक्वल थ्रू का साइन आपने प्लेस किया देन आपने क्या करना है कितने टोटल नंबर ऑफ डेज वो प्रेजेंट था डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय आप डिवाइड कर देंगे किससे टोटल नंबर ऑफ डेज से कितने दिन वो प्रेजेंट था उसको डिवाइड कर दिया आपने टोटल नंबर ऑफ डेज से टेंथ से डिवाइड किया देन एंटर करें और फिर इस वाली वैल्यू को ड्रैग कर देंगे तो आपके पास जो वैल्यू है वो सारे सेल्स के अंदर आ जाएगी ये वाली जो थी आपकी अटेंडेंस शीट थी इससे आपने टोटल अटेंडेंस फाइंड आउट की कि किस तरह से जो है टोटल अटेंडेंस फाइंड आउट की जाती है हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल में और सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे और हाँ ये शीट बिल्कुल एज इट इज वैसी बनेगी जैसे आप वर्ड पे काम करते हैं आपने नेम इस सेल में आपने नेम लिखा जिस सेल का साइज आपने एनहेंस करना है आपने इसको यहां से सैंडल इस को पढ़ के ड्राइक कर देंगे लेफ्ट पे तो लेफ्ट साइड से बढ़ जाएगा कम करना है तो कम भी हो जाएगा सेल साइज कम या ज्यादा कर सकते हैं ये भी कल हमने डिस्कस किया था और ये जो इस पे पूरा बॉर्डर uh, अप्लाई हुआ हुआ है आप इस पूरे को सेलेक्ट करके uh, आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे बॉर्डर पे जाके ये है बॉक्स बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं ऑल बॉर्डर करेंगे तो अभी इस पे जो है वो ऑल अप्लाई है हर सेल पे जो है वो एक बॉर्डर अप्लाइड है तो अगर आपने इस तरह करना है तो आप इस तरह कर लीजिए दूसरा वाला मेथड यूज करना है तो आप दूसरा वाला मेथड कर लीजिए अभी हम इस लेक्चर uh, को यहीं पे वाइंड अप करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे टिल देन टेक केयर अल्लाह हाफिज़